आम आदमी पार्टी के विधायक गज्जण माजरा का 3 दिन का रिमांड वधा दिता गया। मोहाली कोर्ट के पेशी हुई सी बैंक फ्रॉड मामले के बीते दिन ही गज्जण माजरा गिरफ्तार किया गया। अमरगढ़ तो विधायक ने जसवंत सिंह गज्जण माजरा उन्होंने गिरफ्तारी जी है वो हुई सी बीते दिन ईडी वालों उन्होंने गिरफ्तार किया गया। पहला पी जी आई के वो दाखिल हुए तो जिमें ही पी जी आई तो उन्होंने छुट्टी मिली उस तो बाद हिरासत के लिया गया। हुण मोहाली कोर्ट के जो उन्होंने पेश किया गया तो 3 दिन का रिमांड वधा दिता गया, यानी कि 3 दिन होर उन्हां तो पुछगिछ की जाएगी। इस तो बाद जो दोबारा पेशी होंगी है कि अगे भी रिमांड वधेगा या न्यायिक हिरासत उन्होंने भेजा जाएगा तो यह भी देखना अहम होएगा। अमरगढ़ तो विधायक ने जसवंत सिंह गज्जण माजरा जिन्हां दे उत्ते बैंक फ्रॉड के इल्जाम लगे सीगे ते उस तो बाद उन्हां तो पुछगिछ दे लई लगातार कोशिशां जिहड़ियां ने उह कीतियां जा रहियां सी ते आखिरकार बीते दिन ही उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया। तो 3 दिन का रिमांड जो वध्या तो उस दे विच पुछगिछ होएगी कि कुछ होर खुलासे होंदे आ इस दे विचों, क्योंकि इल्जाम आम आदमी पार्टी ये लगाउंदी रही है कि ये सब कुछ केंद्र की शह के उत्ते हो रहा है, सियासी रंजिश के तहत किया जा रहा है या आम आदमी पार्टी के विधायकों को दबाने की कोशिश की जा रही है। पर दूसरे पासे जे आप संबंधित एजेंसियों का जिक्र करिए तो उन्हों का कहना है कि उन्होंने कोल सबूत ने इस बाबत जो इल्जाम लगे सी तो उसकी जानकारी के आधार के उत्ते ही इन्हों तो गिरफ्तार किया गया, इन्हों तो पुछगिछ होगी। आम आदमी पार्टी के विधायक गज्जण माजरा का 3 दिन का रिमांड वधा दिता गया। मोहाली कोर्ट के पेशी हुई सी बैंक फ्रॉड मामले के बीते दिन ही गज्जण माजरा गिरफ्तार किया गया। अमरगढ़ तो विधायक ने जसवंत सिंह गज्जण माजरा उन्होंने गिरफ्तारी जी है वो हुई सी बीते दिन ईडी वालों उन्होंने गिरफ्तार किया गया। पहला पी जी आई के वो दाखिल हुए तो जिमें ही पी जी आई तो उन्होंने छुट्टी मिली उस तो बाद हिरासत के लिया गया। हुण मोहाली कोर्ट के जो उन्होंने पेश किया गया तो 3 दिन का रिमांड वधा दिता गया, यानी कि 3 दिन होर उन्हों तो पुछगिछ की जाएगी। इस तो बाद जो दोबारा पेशी होंगी है कि अगे भी रिमांड वधेगा या न्यायिक हिरासत उन्होंने भेजा जाएगा तो यह भी देखना अहम होएगा। अमरगढ़ तो विधायक ने जसवंत सिंह गज्जण माजरा जिन्हां दे उत्ते बैंक फ्रॉड के इल्जाम लगे सीगे ते उस तो बाद उन्हां तो पुछगिछ दे लई लगातार कोशिशां जिहड़ियां ने उह कीतियां जा रहियां सी ते आखिरकार बीते दिन ही उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया। तो 3 दिन का रिमांड जो वध्या तो उस दे विच पुछगिछ होएगी कि कुछ होर खुलासे होंदे आ इस दे विचों, क्योंकि इल्जाम आम आदमी पार्टी ये लगाउंदी रही है कि ये सब कुछ केंद्र की शह के उत्ते हो रहा है, सियासी रंजिश के तहत किया जा रहा है या आम आदमी पार्टी के विधायकों को दबाने की कोशिश की जा रही है। पर दूसरे पासे जे आप संबंधित एजेंसियों का जिक्र करिए तो उन्हों का कहना है कि उन्होंने कोल सबूत ने इस बाबत जो इल्जाम लगे सी तो उसकी जानकारी के आधार के उत्ते ही इन्हों तो गिरफ्तार किया गया, इन्हों तो पुछगिछ होगी।